कम्युनिकेशन का क्लास टू जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से आगे चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक सेंडर होगा, वो सेंडर एक मैसेज को एनकोड करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम में कन्वर्ट करेगा। वो मीडियम कोई पिक्चर हो सकता है, कोई फॉर्मेट हो सकता है, मतलब वो वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम में डालेगा। फिर उस मैसेज को वो आगे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, मतलब फोन या कंप्यूटर या ईमेल या टीवी के थ्रू तुम्हारे तक पहुंचाएगा। यानी तुम हो गए रिसीवर, उसका तुम मीनिंग को डिकोड करोगे, मतलब उस मैसेज के मतलब को समझोगे और अपना फीडबैक दोगे। तो यही होता है की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसका फायदा क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस क्या होगा, नहीं एडवांटेजेस नहीं, हम लोग एसेंस पढ़ना है इस क्वेश्चन। तो ये जो एसेंस क्या होगा इस फीडबैक का, चार टाइप का ये फीडबैक का फोर कैटेगरीज हो सकता है फीडबैक का। क्योंकि देखो आखिरी स्टेप क्या था, आखिरी स्टेप था फीडबैक। फीडबैक का फिर इफेक्ट क्या होगा, फीडबैक का इफेक्ट होगा सर या तो पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, मतलब इट मीन्स अफर्मिंग द कमेंट विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर, हम फ्यूचर को लेकर उस बात के लिए हाँ बोल रहे हैं। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर के लिए ना बोल रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जो पास्ट हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ उस पर फीडबैक दे रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं मतलब जो पास्ट में हुआ उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक मतलब जो पास्ट में हुआ उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पुराने किसी बात पे हाँ या ना, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, और पुराने किसी बात पे या आने वाले किसी बात पे, सॉरी फ्यूचर के किसी बात के ऊपर हाँ या ना बोलने को फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर हाँ बोले हैं तो पॉजिटिव, ना बोले हैं तो नेगेटिव। तो फीड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर की बात के लिए और फीडबैक मतलब पास्ट की बात के लिए। अब आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो एक होता है वन वे प्रोसेस, मतलब हम सिर्फ अपना बात बोलेंगे और आपको सुनना है, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा। और एक होता है टू वे प्रोसेस, मतलब हम भी अपनी बात रखेंगे तो आप भी अपनी बात को बोलोगे, आप भी फीडबैक दोगे, आप भी जवाब दोगे। तो टू वे प्रोसेस। वन वे प्रोसेस को लीनियर मॉडल बोलते हैं, जबकि टू वे प्रोसेस को साइक्लिक मॉडल बोलते हैं। ये काम का बात है एमसीक्यू के लिए। यहाँ पे अनअवेयर ऑफ द रिसीवर, हमको रिसीवर के बारे में कोई जानकारी नहीं कि हम अपनी बात बोल के खत्म कर देंगे, बट यहाँ पे अवेयर ऑफ द रिसीवर। वन वे कम्युनिकेशन एलिमिनेट द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। वन वे कंसेप्ट में फीडबैक नहीं होता, बट टू वे प्रोसेस में फीडबैक होता है। वन वे कम्युनिकेशन इज मोनोलॉग, मोनोलॉग है जबकि वो डायलॉग है। मोनोलॉग मतलब होता है हम सिर्फ अपनी बात लंबी बोलते जाते हैं, जैसे वो कार्तिक आर्यन प्यार का पंचनामा मूवी में बोलता है वैसे। जबकि डायलॉग मतलब दोनों वे में बात, तुम भी जवाब दोगे हम भी कुछ बोलेंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन वीडियो के थ्रू हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। जबकि ये हो गया जब फ्रेंड्स के बीच में बात हो या कोई इंटरव्यू हो तब टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट यूनिट बोला गया टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप का है, क्योंकि अभी सबसे पहले बोला अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज के अकॉर्डिंगली सोचे तो दो टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, मैनेजर अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई बात बोल रहा है या सबॉर्डिनेट अपने मैनेजर को कोई बात बोल रहा है। तो मैनेजर जब सबॉर्डिनेट को बोले या सबॉर्डिनेट जब मैनेजर को बोले, ये फॉर्मल बातचीत है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर चैनल के थ्रू बातचीत हो। इनफॉर्मल मतलब वहां पे भी मैनेजर और सबॉर्डिनेट हो सकता है लेकिन वो बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही कैंटीन में बैठ के, ऐसे ही कहीं पे मिल गए तब बातचीत, वो हो गया इनफॉर्मल। मतलब मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रोसेस से बातचीत नहीं हो रही, सिस्टमैटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तब इनफॉर्मल, और सिस्टमैटिक वे हो तो फॉर्मल। एक होता है बाय मीडिया यूज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, तो दो टाइप का होगा, रिटन और जेस्चरल। रिटन मतलब कुछ लिख के दे रहे हैं हम आपको, जेस्चरल मतलब हम आपको बाय वेव ऑफ हैंड या बाय वेव ऑफ नेक हम हाँ या ना करके आपको बोल रहे हैं। और तीसरा टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लो, अपवर्ड डाउनवर्ड डायगनल या हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड मतलब नीचे के लोग ऊपर बात बोल रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब ऊपर वाले नीचे वालों को बोल रहे हैं, डायगनल हॉरिजॉन्टल मतलब होता है एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ बोल रहा है, और डायगनल होता है क्रॉस,
मतलब इस डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर को कुछ बोल रहा है, या इस डिपार्टमेंट का जूनियर दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को कुछ बोल रहा है। तो जब अपवर्ड डाउनवर्ड हो तो विद इन द सेम डिपार्टमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लेकिन सेम पोजीशन के लोग, और डायगोनल मतलब एक डिपार्टमेंट टू दूसरे डिपार्टमेंट और पोजीशन भी अलग अलग। तो ये होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या फायदा है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन किया गया, उन्होंने ही कहा था कि जाके उस पर्सन से बातचीत करो, या ये मैनेजर होगा और ये सबऑर्डिनेट होगा, ये लोग आपस में ऑलवेज कम्युनिकेट करेंगे। ये कौन डिसाइड किया है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो तब फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है, टाइमली होता है, यहाँ पे मोर रिलायबल होते हैं, ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, या प्रॉपर एविडेंस के थ्रू बात होता है, या फुल सीक्रेसी मेंटेन होता है, एक हायरार्की फॉलो होता है, मतलब टॉप वाले नीचे वाले को, नीचे वाले टॉप वाले को बोल रहे हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो है बहुत बातचीत में, सर ये स्लोअर है, सर यहाँ पे कई बार डिस्टॉर्शन होते हैं क्योंकि आपस में उतना बातचीत नहीं हो पाता, रिलेशन स्ट्रांग नहीं होते। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजर को कहा, फिर मैनेजर अलग अलग अपने अंदर वाले मैनेजर को बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को कहा, उसने अपने अंडर में अलग अलग मैनेजर्स को बात इन्फॉर्म की, मैनेजर्स ने अपने अंडर के सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर ने अपने अंडर के फॉरमैन को, और फॉरमैन ने अपने अंदर के वर्कर को। ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल एकदम उसका उल्टा, ये फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, लेकिन फ्रीली हो रहा है, कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रहा, कोई मैनेजमेंट का फोर्स से ये बात नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट ये रिलेशनशिप सेटअप नहीं कर रहा। इसको ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये इनफॉर्मल का उल्टा है, तो सर ये फास्टर होगा, क्विक होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है क्योंकि सोशल बातचीत भी होती है, मस्ती मजाक भी होता है, यहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा बढ़ता है जब हम इनफॉर्मली मिलते हैं। तो इसका बुराई क्या है सर, यहाँ पे डेटा कई बार रिलायबल नहीं होता, कोई भी किसी को रूमर्स दे देता है, कुछ भी बातें सीक्रेट नहीं रहती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप भी क्या बोला, सिंगल स्ट्रेंड चेन, मतलब ये एग्जाम्पल दिया, एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा, उसने जाके तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवों को, ये हुआ सिंगल स्ट्रेंड चेन। दूसरा होता है क्लस्टर चेन, तो इसने तीन आदमी को कहा, इन तीन लोगों ने आगे किसी को कहा, ये हो गया क्लस्टर चेन। प्रोबेबिलिटी चेन मतलब किसी ने किसी को भी कहा, कोई श्योरिटी नहीं है कौन किसको बोलेगा, तो प्रोबेबिलिटी चेन हो गया ये। एक हुआ गॉसिप चेन, मतलब एक आदमी सबको बता रहा है, ये हो गया गॉसिप चेन। इस तरीके से नाम आपको केवल नाम याद रखने। अब आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जहाँ पे वर्ड्स का कोई लेन देन है, वो स्पोकन वर्ड्स है। वर्बल मतलब बोल के, स्पोकन वर्ड्स, हम बोल के कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब साइन लैंग्वेज, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं बट कोई साइन लैंग्वेज से आपको बातचीत समझा रहे हैं। जैसे जहाँ पर रेड साइन होता है वहाँ रुक जाने का होता है, जैसे जहाँ पे ऐसे सिंबल है मतलब आपको गाड़ी को यू टर्न लेने, तो ये सब हो गया साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई टाइप के होते हैं। पहले बोला जैसे क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स का मतलब क्या होता है, वी स्पीक अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द सेंडर और रिसीवर, जैसे बोलने का स्पीड कैसा है, पंक्चुअलिटी कैसा है, इस टाइप के आप उससे आप अंदाजा लगा रहे हो बोलने की स्पीड से, या उसके टाइम की पंक्चुअलिटी से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हो। तो ये हो गया भाई एक्शन कुछ। वो क्या लिख किया, पैरा लैंग्वेज, जहाँ पे आदमी के टोन या उसके बोलने की वॉल्यूम से, कितना जोर से बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, पिचिंग कैसा कर रहा है, जैसे मैंने अभी कहा पिचिंग, टाइम लेके बोल रहा हूँ पूरा वर्ड को, तो ये सब हो गया। वो क्या लिख किया, पैरा लैंग्वेज। हैप्टिक्स क्या होता है, टच कम्युनिकेशन, मैं आपको छू के, गले लग के, हाथ मिला के बात को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। किनेसिक्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को समझना, मेरा अभी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, मैं बहुत एंथुजियाज्म में बात कर रहा हूँ, एकदम डल वे में बात कर रहा हूँ। एक होता है प्रॉक्सिमिक्स, तो द डिस्टेंस मेंटेन बाय ए पर्सन विद कम्युनिकेशन विद ईच अदर, हम कितना क्लोज खड़े होकर बात कर रहे हैं, बहुत क्लोज खड़े होकर बात करें मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है, दूर से बात करें मतलब उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनशिप है। तो ये सब भी समझा जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। आर्टिफैक्ट्स, द स्टडी ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, वो कैसे कपड़े पहन के आ रहा है, कैसे
रह रहा है, कैसे उसकी हेयर स्टाइल है, वो सबको देख के जज करना। तो ये सब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको आप साइन लैंग्वेज भी बोलते हो। विजुअल साइंस, मैं साइन लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, विजुअल या ऑडियो। मैं आपको कोई क्लिपिंग भेज रहा हूँ जिसमें वीडियो चल रहा है, वो हो गया विजुअल साइंस। मैं आपको कोई पिक्चर या इमेज भेज रहा हूँ, वो हो गया विजुअल साइंस। ऑडियो साइंस मतलब मैं आपको कोई प्री रिकॉर्डेड ऑडियो भेज रहा हूँ, कोई गाने का लाइन भेज रहा हूँ, कोई म्यूजिक भेज रहा हूँ, ये सब हो गया ऑडियो साइंस। इनका एडवांटेजेस क्या है, साइन लैंग्वेज का एडवांटेजेस क्या है कि लोगों को एजुकेट करने में बहुत ईजी होता है, लोगों को विजुअल साइन बहुत अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपरली यूज करें अगर तो बड़ा इफेक्टिव वे में बातचीत हो पाता है। पिक्चर्स और ड्राइंग्स आपको मेंटल मोटिवेशन देता है, आपका क्रिएटिविटी इम्प्रूव करता है। साइन लैंग्वेज का डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार समझ में नहीं आता लोगों को, प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं होता, रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाता है। साइन लैंग्वेज क्रिएट ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार, ये सब प्रॉब्लम। आजकल मॉडर्न मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिंगल्स भेजना। जिंगल्स मतलब वो एडवर्टीजमेंट में जो लाइन्स होती है ना, वाइटर देन द वाइट, या जैसे मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट, वो जिंगल्स हो गया। कुछ छोटी छोटी लाइनें गाने टाइप की जो एडवर्टीजमेंट में यूज होती है। म्यूजिक भी आजकल बहुत अच्छा तरीका है, कार्टून्स भेज के भी लोग किसी को किसी बात की मीनिंग समझाते हैं, तो ये सब नॉन वर्बल तरीका होगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी हम जानते हैं, कोई चीज को मैं लिख के आपको भेजूं, मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूं राइटिंग में, लेटर्स के थ्रू या सर्कुलर्स के थ्रू, कोई मैनुअल्स के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ऑफिस मेमो के थ्रू, कोई बुलेटिन के थ्रू, ये सब के थ्रू मैं आपको कुछ रिटन डेटा भेज रहा हूँ। ये परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, कमिटी काम आएगा आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, प्रूफ के रूप में काम आएगा ये। कल को कोई बोला मैंने तो नहीं भेजा, तो प्रूफ रहेगा उसका। आपको पढ़ के सोचने का टाइम मिलता है, जो कि सुनने में दिक्कत होता है, सुनने में तुरंत जवाब देना पड़ता है, पढ़ के आपको सोचने का टाइम मिलता है। एक बार में कई लोगों को भेज सकता हूँ ये मैसेज में। इसमें डेटा चार्ट ये सब का यूज इजीली हो सकता है। ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे, वहाँ गुडविल ब्रांड बिजनेस का गुडविल माना जाता है। डिसएडवांटेज क्या, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। कई बार रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, पोस्ट से भेजो, कुरियर से भेजो, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, हाथों हाथ फीडबैक नहीं मिलता, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एक बार जो भेज दिए तो भेज दिए, कई जगह ये इफेक्टिव नहीं है जहाँ पे इमरजेंसी में काम चाहिए। स्टेप्स इन रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन का स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा प्रिपेयरिंग द मैसेज, उसके बाद उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, उसको हम एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई चेंजेस करना है क्या, फिर पढ़ने के बाद उसको अगर रिवाइज करना है या एडिट करना है तो करेंगे, फिर फाइनल प्रूफ रीडिंग करेंगे और सेंड कर देंगे। यह है रिटर्न कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अगला कम्युनिकेशन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो अप टॉप टू डाउन और डाउन टू अप। जैसे मैनेजर ने अपनी बात जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को, उसने डिविजनल डिपार्टमेंट को, उसने सुपरवाइजर को, और फिर वर्कर तक बात पहुंची, ये हो गया डाउनवर्ड। जैसे वर्कर ने कोई बात ऊपर भेजी है, कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, वो हो गया अपवर्ड। इसको दोनों को वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल देखो, मैंने कहा था ना, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो परचेज मैनेजर के बाद प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी मैनेजर को, क्वालिटी मैनेजर सेल्स मैनेजर को, या फिर ये लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट पे सेम लेवल के लोग। डायगोनल कम्युनिकेशन देखो, प्रेसिडेंट ने अपनी बात वाइस प्रेसिडेंट को कही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस या प्रोडक्शन, दो डिपार्टमेंट है मान लो वाइस प्रेसिडेंट के। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन के अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपार्टमेंट सी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे। ये हो गया डायगोनल। एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर या सबॉर्डिनेट को कुछ बोल रहे। उल्टा भी हो सकता था, डिपार्टमेंट डी का कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन को कोई बात बोल रहे, वैसे डिपार्टमेंट ए का आदमी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस को कोई बात बोल रहे। ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड मैंने अभी बता ही दिया था आपको वर्टिकल के अंदर ही। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर लेस फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल ही नहीं है ज्यादा, लेकिन सेम डिपार्टमेंट या ग्रुप के लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको लेटरल कम्युनिकेशन होता है।
यहाँ पे टाइम बचता है, यानी एक टाइप से आप इनफॉर्मल बोल सकते हैं, टाइम बचता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, टीम मेंबर के बीच में काम अच्छे से हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट अच्छा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में वैरायटी और बातचीत हो पाती है, तो ये सब इसका बेनिफिट है। अगला टॉपिक आया इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। आजकल मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बातचीत करते हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन को यहाँ पर बातचीत हो रहा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व में क्या बातचीत हो पाती है, तो द वे ऑफ मेकिंग इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव आर एज फॉलोस। कैसे एक इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुरंत कस्टमर का इंटरेक्शन मिल जाता है, आप बेटर सपोर्टिंग ऑप्शंस दे सकते हो कस्टमर को, या कई बार पर्सनल टच हो जाता है, आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो, प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन इजी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं तो पीपीटी का प्रेजेंटेशन, एक्सेल वर्ड का प्रेजेंटेशन अच्छा हो पाता है। अभी ऑनलाइन कम्युनिकेशन कितने तरीके से हो सकती है, मैं किसी को ईमेल भेज सकता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने अपने गूगल क्लाउड में कुछ इन्फॉर्मेशन को डाल दिया और उसका लिंक दे दिया, वो वहाँ से डाउनलोड कर ली। ई कॉमर्स, जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगवाते हो तो वहाँ आप अपनी फीडबैक देते हो, वो लोग वहाँ पे आपकी फीडबैक पढ़ते हैं, तो वही कॉमर्स बातचीत होगी। एक VoIP या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको बोलते हो, उससे भी बातचीत होती है। तो ये सब तरीके से आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हो। बिजनेस एंड सोशल एटिक्वेट, एक अच्छी एटिक्वेट का मतलब क्या होता है, आपका मैनरिज्म, आपका बिहेवियर, तो एक अच्छा एटिक्वेट या अच्छा बिहेवियर या मैनरिज्म किसको बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड सोशल एटिक्वेट, आपको बिजनेस या सोसाइटी दोनों ही जगह प्रॉपर एटिक्वेट्स मेंटेन करना चाहिए। इसका क्यों जरूरी है ये मेंटेन करना, ताकि पॉजिटिव रिलेशनशिप बने, ताकि वर्क प्लेस में प्रोडक्टिव काम हो, ताकि आपका नेचर का आपको रिवॉर्ड मिले आगे जाए। प्रोफेशनल कंडक्ट इन बिजनेस सेटिंग, तो सर इसका फायदा एटिकेट मेंटेन करने का, प्रोफेशनल कंडक्ट इन बिजनेस सेटिंग, आपको प्रोफेशनली क्या क्या चीजें कंडक्ट करनी चाहिए आपके बिजनेस सेटिंग में, आपको अपने क्लाइंट मैनेजर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपका मैनर पॉजिटिव या बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, आपको काम एंड पोलाइट होना चाहिए, गुड एंड एथिकल डिसीजन लो आप, अनएथिकल काम मत करो, आपका प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए, और भी कुछ एटिक्वेट्स है, जैसे आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको दूसरों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, कहीं पर भी पहुंचो तो टाइमली पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहिए, प्रॉपर वे में बोलो, कर्टसी के साथ बोलो, अच्छे से बोलो, इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए, मतलब एथिकली काम करना चाहिए, कॉर्पोरेट कंपनी का जो गोल है उस पर फोकस करके बातचीत करनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, आप अपनी बात के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, जिम्मेदारी लेना सीखो, टीम वर्क होना चाहिए, मतलब अकेले अकेले मत बोलो, पूरे टीम के साथ बातचीत होनी चाहिए, टीम को भी बोलने का मौका दो, और जो भी कमिटमेंट करो उसको पूरी तरीके से फॉलो करो, जो बात किसी को बोलो उसको पूरी तरीके से करो। वर्क प्लस हायरार्की, ये क्या होता है, आपके बिजनेस में कैसे एक चेन ऑफ कमांड मेंटेन होना चाहिए, कौन किसको जाके क्या बात बताएगा, कौन टॉप लेवल में है, कौन उनके नीचे, ये हायरार्की एकदम फिक्स होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके किसी को भी कोई बात बता रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स में क्या एटिक्वेट्स होना चाहिए, तो जब भी मीटिंग में जाओ सबको इनवाइट, उन्हीं लोगों को इनवाइट करो जो उस मीटिंग के लिए ज़रूरी है, सबको हर मीटिंग में मत बुलाओ, राइट टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे मीटिंग कंडक्ट करो, मीटिंग वेल डिफाइंड एजेंडा, मीटिंग में पहले एकदम क्लियर हो उस मीटिंग में क्या क्या टॉपिक पे बात करना, और ये बात सबको बतानी चाहिए मीटिंग में क्या क्या टॉपिक पे बात हो। आप एक होस्ट की तरह मीटिंग जब होल्ड करते हो तो सबको प्रेजेंटेशन, सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पहले अवेलेबल करवा दो, अवॉइड डिले, देरी मत करो, चाहे तुम हो या मीटिंग में तुम होस्ट है, मतलब तुम मीटिंग करवा रहे और अटेंडी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डिले नहीं होना चाहिए कोई काम। मीटिंग का प्रॉपर मिनट्स रिकॉर्ड करो, मतलब प्रॉपर मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुआ, कौन क्या बोला, क्या डिसीजन पास हुआ, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। टेलीफोनिक एटिक्वेट, जब फोन पे किसी के बात करो तो क्या आपका काम टोन होना चाहिए, मतलब कामली बात करो, एकदम धीरे से आराम से, प्रॉपर वे में थैंक यू, नाइस डे, ये सब बोलो, आपका टोन ऑफ द स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव टोन में बात करो और रिलेटेबल लैंग्वेज में बात करो, जो सामने वाले को भाषा समझ में आए उस भाषा में बात करो। क्लाइंट से अगर बात करो तो पहले पूछ लो आप उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो, पहले पूछ के बातचीत स्टार्ट करो।
आपको बात को शॉर्ट रखो और कंसाइज रखो, मतलब लंबी चौड़ी ज्ञान मत दो। एक अच्छे लिसनर बनो, सामने वाले की भी बात सुनो, किसी को भी कॉल को लॉन्ग होल्ड पे मत रखो, तो फोन को उठाने में देर मत करो बहुत ज्यादा, पेशेंसली बात करो। वर्क प्लेस हायरार्की मतलब क्या हुआ? वर्क प्लेस हायरार्की मतलब कि आपके बिजनेस में अथॉरिटी वगैरह, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन हाई लेवल पे होगा, कौन उसके अंडर में होगा, ये पूरा हायरार्की एक मेंटेन होना चाहिए ताकि क्वेरीज और ग्रेवियंसेज इजीली सॉल्व हो सके। लोअर लेवल को पता होना चाहिए वो ऊपर किसको जाके बात करेगा, ऊपर लेवल वालों के अंडर में टीम होनी चाहिए कि कौन किसको इन्फॉर्म करेगा। तो हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर एक हायरार्की मेंटेन होना चाहिए। अगला टॉपिक है बिजनेस मीटिंग्स एटिक्वेट्स। एक बिजनेस में जब आप मीटिंग अटेंड करो वहां पे आपका क्या एटिक्वेट्स होना चाहिए? तो इनवाइट ओनली दोज पीपल हु आर एसेंशियल टू द मीटिंग, उन्हीं को बुलाओ जो मीटिंग में इंपॉर्टेंट है, सबको जो उस मीटिंग में जिनका रोल है इंपॉर्टेंट इन द सेंस जिस मीटिंग में इनका काम है। राइट टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, पूरा मीटिंग का एजेंडा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। ऑल द अटेंडीज एंड द होस्ट ऑफ द मीटिंग शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, सब प्रिपेयर्ड होने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। टाइम ऑफ द मीटिंग अवॉइड डिले, बिना डिले के मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और मीटिंग का एक मिनट्स को पूरा ट्रैकर होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। आपका टेलीफोन एटिक्वेट्स क्या होगा? जब आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? आपका टोन बहुत काम होना चाहिए, आपको दूसरे को थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ये सब विशेस करना चाहिए प्रॉपरली, एक प्रॉपर टोन में बात करना चाहिए, स्पीकिंग टू सेट द टोन एंड यूज, मतलब आप प्रॉपर लैंग्वेज यूज करो जो उस मीटिंग के लिए जरूरी है, उस बातचीत के लिए जरूरी है। और आवर में क्लाइंट को कॉल मत करो, शॉर्ट एंड कंसाइज रखो मीटिंग को। आप अच्छे एक लिसनर बनो, सिर्फ बोलने वाले मत बनो, फोन पे जब बात करो तो सामने वाले का बात भी सुनो। दूसरे पार्टी को होल्ड पे ज्यादा लॉन्ग के लिए मत रखो, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ काम आ जाए। टेलीफोन नॉट टू लॉन्ग, ज्यादा लॉन्ग बातचीत नहीं होनी चाहिए टेलीफोन में। अगर नेटवर्क इशू हो रहा है कॉल के बीच में तो एडवाइजेबल टू डील विद पेशेंसली, आप वहाँ पे पेशेंस रखो। और कन्वर्सेशन जब एंड करो तो फाइनल रिग्रेट्स, मतलब थैंक यू, हैव अ गुड डे वगैरह प्रॉपरली विश करके मीटिंग को ओवर करो। मील एटिकेट्स, खाना खाते वक्त आपका क्या एटिकेट्स होना चाहिए? प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओ, जिस प्रोग्राम के हिसाब से जा रहे हो, ओकेजन के हिसाब से फ्यू मिनट्स अर्लियर पहुंचो। वहां पे जब खाना खाते वक्त माइंडफुल और लाइट कन्वर्सेशन करो, बहुत हार्डकोर टॉपिक पे डिस्कस मत करो। जो मीटिंग का एजेंडा है प्रॉपरली उसी पे बातचीत करो, प्रॉपर पोस्चर में बैठो, सबके टेबल पे आने का वेट करो खाना खाने के पहले, जेंटल टूवर्ड्स द सर्वर, जो खाना सर्व कर रहा है उसके प्रति जेंटली बात करो। आप अगर होस्ट हो तो आप लीड करो कि सबको पहले खाना स्टार्ट करे। पोलाइटनेस के साथ मीटिंग को आइए, खाने का जो भी प्रोग्राम है उसको ओवर करो। और अगर आप खाना खत्म होने के बाद अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो होस्ट को कि थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग। ईमेल वगैरह या ब्लॉग वगैरह जब एटिक्वेट्स करते हो वहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रूफ रीडिंग करके ब्लॉग को अपडेट करो। ईमेल में रेलिवेंट सब्जेक्ट, रेलिवेंट टॉपिक को लिखो, खाली पूरा लंबा थोड़ा ज्ञान मत लिखो। प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो ईमेल का, मतलब ऊपर सब्जेक्ट टू द जिसको लिख रहे हो। शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स को यूज मत करो, अवॉइड करो उसको। ईमेल को शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो। अगर आप ब्लॉगर हो तो एल्गोरिथम को अवॉइड करो। इमेजेस ग्राफिक्स को जहाँ जरूरत हो वहाँ रिलेवेंटली यूज करो, कुछ ऐसा ग्राफिक्स मत डालो जो सामने वाले को डिस्टर्ब करे। ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लेंदी मत लिखो। वैसे बिजनेस अटायर क्या होता है? दो टाइप का होता है, कैजुअल अटायर फॉर मैन, फॉर्मल अटायर फॉर मैन। वैसे कैजुअल फॉर वुमेन एंड फॉर्मल फॉर वुमेन। तो बोला कि कैजुअल फॉर मैन मतलब टिपिकली वेयरिंग अ पेयर ऑफ ड्रेस स्लैक्स अलोंग विद अ बटन डाउन शर्ट और स्वेटर, खाकी वगैरह भी पहन सकते हो। लेकिन यही जब आप मीटिंग में जाओ तो फॉर्मल कपड़ा होना चाहिए, प्रोफेशनल कपड़े होने चाहिए, आप सूट पैंट वगैरह पहनो। कलर ज्यादातर ब्लू, ब्लैक, ग्रे या ब्राउन रखो। ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह, शर्ट्स अलोंग विद ड्रेस, सॉक्स एंड शूज वगैरह पहनो।
नेक टाइज वगैरह यूज करो, मतलब टाई वगैरह पहनो। वैसे कैजुअल फॉर वुमेन क्या होगा, आउटफिट जो फीचर्स करे जो रफ वुमेन में चूज पैटर्न आउटफिट विच फीचर्स सच एज रैफल्स और लेस प्रोवाइडेड दे आर नॉट एक्सेसिव। अ गुड रूल ऑफ थम इज दैट क्लोथ शुड नॉट बी टू टाइट और रिवीलिंग, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। नी हाई एंकल बूट वगैरह अलोंग विद सैंडल्स हाई हील शूज आर एक्सेप्टेबल, ये सब पहन सकते हो। वैसे फॉर्मल फॉर वुमेन क्या हुआ, टाइडी ड्रेस पहनो, स्कर्ट्स वगैरह स्लैक्स वगैरह पहन सकते हो। टॉप शूड इंक्लूड नीट बटन डाउन शर्ट, बटन डाउन वाला शर्ट पहनो, ब्लेजर वगैरह पहन सकते हो। आप लोग मिनिमम लेवल ऑफ ज्वेलरी एंड बेल्ट वगैरह यूज कर सकते हो, ये सब पहन सकते हो। प्रॉपर वे टू मेक इंट्रोडक्शन, जब मीटिंग में किसी को इंट्रोडक्शन करो तो पहले रैंक वाइज इंट्रोड्यूस करो, जेंडर या एज वाइज नहीं, रैंक वाइज इंट्रोड्यूस करो लोगों को। ये हायर पहले मैनेजर को, पहले एमडी को इंट्रोड्यूस किए, फिर डायरेक्टर्स को, फिर मैनेजर्स को। स्माइल के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस मत करो, पहले अपने गेस्ट और विजिटर्स को इंट्रोड्यूस करो। गुड एंड फर्म हैंडशेक मेंटेन करो प्रॉपर, लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए। सबको फॉर्म ऑफ एड्रेस इक्वल होना चाहिए, किसी मतलब किसी डिफ्रेंशिएट नहीं करो, किसी को भेदभाव मत करो। प्रॉपर सरनेम वगैरह यूज करो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। अवॉइड यूज मतलब किसी को ऐसा कोई नाम से इंट्रोड्यूस मत करो जो कि सामने वाले को बुरा लगे। अब मिस्टर को मिस बुला दो, या मिस्टर को मिस बुला दो, या मिसेस को मिस बुला दो, या मिस को मिसेस बुला दो, ये सब गलती मत करो। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो, सबको रेस्पेक्टफुल इंट्रोड्यूस करो, खड़े होकर इंट्रोड्यूस करो, उनका नाम का सही प्रोनाउंसमेंट पहले प्रैक्टिस कर लो इंट्रोडक्शन के पहले। वर्क प्लेस में क्या कर्टसी होना चाहिए, तो वन ऑफ द सीज ऑफ कम्युनिकेशन इज कर्टसी, तो लोगों को पोलाइटली ग्रीट करो, प्रॉपरली ग्रीट करो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अदर पीपल टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर, सबको एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराओ। किसको क्या नाम से एड्रेस करना है वो पहले से ठीक रखो, दूसरों को रूडली इंटरप्ट मत करो बीच में, सब कन्वर्सेशन का प्रॉपरली रिप्लाई करो। सबको इन्वाइट करो कि सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ बात करें अपना। सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात मत करो। मीटिंग में टाइम से पहले पहुंचने का ट्राई करो या टाइम पे पहुंचने का ट्राई करो। प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करो, पॉजिटिव रहो, दूसरों को रेस्पेक्ट करो, ह्यूमिलेट मत करो किसी को, इंसल्ट मत करो, सबका प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करो, किसी का पर्सनल बात मत शेयर करो। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का दुनिया इंफॉर्मेशन ड्रिवन दुनिया है, तो आपको पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, सेमिनार अरेंज करना, प्रेस मीटिंग करना, प्रेस रिलीज करना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना, ये सब काम करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया पब्लिक रिलेशन मेंटेनिंग सस्टेनेबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक एम्प्लॉय स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर, इन सब के साथ ऑर्गेनाइजेशन का एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। करेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका पब्लिक रिलेशन का मेन टारगेट होता है। पब्लिक रिलेशन में मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, एक कंपनी का प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि किस बात का जानकारी किस डिपार्टमेंट में या बाहर के लोगों को कैसे कैसे जाएगा, कौन सा जानकारी बाहर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। आपके कंपनी में प्रॉपर पहले पॉलिसी बनाओ, उसके बाद प्रेस रिलीज का स्टेटमेंट दो। पब्लिसिटी को क्या चीज आपको पब्लिकली अनाउंस करना है और क्या नहीं अनाउंस करना है वो प्रॉपरली रखो। टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन को कॉर्डियली शेयर करो गवर्नमेंट के साथ, बाकी डिपार्टमेंट के साथ। मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, खुद का मैगजीन निकाल सकते हो कंपनी का। तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, मीडिया इंट्रैक्शन, या कम्युनिटी में बैंक वगैरह में फैंसी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन सब में जाके विजिट करना, ये सब काम आप कर सकते हो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए। एक ऑथर है डब्ल्यू पेज, वो सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन बोला हमेशा कंपनी का एक्यूरेट पिक्चर दो, ऑर्गेनाइजेशन का एक्यूरेट पिक्चर दो। एक्शन पे फोकस करो, ज़्यादा वर्ड्स पे नहीं, लोगों का जरूरत समझो, रिस्पॉन्ड करो उसी के हिसाब से।
ऐसा प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करो जो कंपनी का गुडविल हैम्पर करे। कंपनी का एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसी के हिसाब से लोगों को कम्युनिकेट करो या पब्लिक रिलेशन मेंटेन करो। लोगों का इंटरेस्ट क्या है वो जान के कंपनी का स्ट्रेटेजीज बनाओ। रियलाइज सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, ये बात समझो कि आपका कंपनी का सक्सेस पब्लिक के हाथ में है। तो जब तक आप पब्लिक रिलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे ऑलवेज आपका कंपनी का सक्सेस इंटरप्टेड रहेगा। काम कंपोज डिग्निफाइड एंड पीसफुल वे में सारा इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए। नेगेटिव पब्लिक रिलेशन ट्राई करो अवॉइड करने का। बहुत सारा लोग कहता है डर्टी ट्रिक्स अपनाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पीआर ये सब नहीं होना चाहिए कि दो लोगों का झगड़ा दिखा रहे हैं ताकि लोग कंपनी के बारे में बात करें और कंपनी का पब्लिसिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। एक पब्लिक रिलेशन इफेक्टिव कब होगा, जब आप बिना सर्कमस्टांसेस को फॉलो करो। हमेशा अवेयरनेस रखो कि आपको पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन। ऑडियंस आपके मैसेज को समझा है कि नहीं इस बात का पहले पता हमेशा रखो। और ज्यादा बातचीत नहीं, ज्यादा एक्शन पे ध्यान दो। फीडबैक लो लोगों का और उस हिसाब से एक्शन भी लो। जैसे एग्जांपल में उबर किया था, जब कोरोना वायरस आया था तो उबर एक ऐसा मैसेज पब्लिक को शेयर किया स्टे होम फॉर एवरीवन हु कांट। लोगों को बोला गया थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग। तो आप एक ऐसा मैसेज दिए कि लोगों को आप क्या चीज का बिजनेस करते हो वो भी मिल गया और आप एक सोशल मैसेज भी दे दिए। विक्स टच एंड केयर, तो इस तरीके का स्लोगन यूज किया है कि आप लोगों को ये जिसमें एक ऐड दिया था जिसमें ट्रांसजेंडर वुमेन थी, वो एक ऑर्फन चाइल्ड को रेज करती है और उसको विक्स लगाती हुई दिख रही है सर्दी जुकाम में। इस तरीके से लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि एक सोशल मैसेज भी जाए और प्रोडक्ट का ऐड भी हो जाए। एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, आज की डेट में बिजनेस कम्युनिकेशन में एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ग्रोसरीज खरीदो, ड्रेसेस खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको टीवी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, मूवी देखने जाओ, सब में एडवर्टीजमेंट का रोल है। एडवर्टीजमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या, टर्न द माइंड ऑफ समवन टुवर्ड्स समथिंग, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। तो मेन एम ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को प्रमोट करना, यूनिक सेलिंग पॉइंट बताना, अपना यूएसपी बताना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जो मार्केट में कोई और नहीं है उस मार्केट को पकड़ना, बिजनेस का गुडविल ब्रॉट अप करना, ये सब काम करना आपका एडवर्टीजमेंट का मेन एम है। क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं, इन कामों के लिए। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऊपर जो बोले नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, सेल को बढ़ाने में, डिमांड को मेंटेन रखने में, कॉम्पिटिशन में फाइट करने में, पब्लिक को अवेयर करने में, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में क्या क्या एडवर्टीजमेंट का मीडियम यूज होता है, तो प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्राउजर्स, पैम्पलेट्स, ब्रॉडकास्ट मतलब टेलीविजन या रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करना, आउटडोर एडवर्टीजमेंट मतलब बिलबोर्ड, एडवर्टीजमेंट का होर्डिंग वगैरह लगाना, टैक्सी वगैरह के पीछे कुछ ऐड लगा देना, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट वगैरह, फेसबुक, ये सब वगैरह पे ऐड देना, ये सब भी आजकल तरीका। रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन, लोग एडवर्टीजमेंट जब क्यों करते हैं, आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन है। लोगों तक अपना प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में जानकारी पहुंचाने का बहुत अच्छा मीडियम है। आपका एक बड़ा ऑडियंस टारगेट हो जाता है, आपका एक मैसेज क्रिएट होता है, इससे एक बातचीत का बहुत अच्छा तरीका है ये, और इससे कस्टमर सर्विस भी होता है। ये सब चीज एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल है। जैसे मैगी किया नेस्ले के साथ, लोगों का एक आम फूडिंग लाइफ बना दिया, उसको ऐसे एडवर्टीजमेंट किया। जब मैगी बैन हुआ था और मैगी जब दोबारा आया, तो योर फेवरेट मैगी नूडल्स इज बैक, वेलकम बैक मैगी, मतलब लोगों में दोबारा बहुत अच्छे से पॉपुलराइज किया। जैसे अमूल बहुत शानदार ऐड करता है, कोई भी घटना जब घटता है अमूल इसको तुरंत यूज कर लेता है। जैसे पुष्पा जब आया तो पुश बैक द साइलेंस, या जब ये शार्क टैंक वाला हुआ तो उसको लेके ये सबको डाइजेस्ट होता है। इस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं वो लोग कि प्रोडक्ट पब्लिसाइज हो जाए। डूज एंड डोंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया पे ऐड करो क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो पहले तो बोला डूज, क्या करना चाहिए।
डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल, आपका सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहो बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन देना है क्या नहीं देना है उसमें क्लियर रहो। आपका यूनिक तरीका होना चाहिए अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, ताकि लोग उसमें इंगेज हो जाए, उस एडवर्टीजमेंट को ध्यान से देखें। आपका सोशल मीडिया इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बने। आपका क्या प्रायोरिटी है वो पहले से सेट कर लो और उसी हिसाब से जो भी आपको ऐड या कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन डालना है वो डालो। रेगुलरली इंटरेक्ट करो ऑडियंस के साथ, सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन मत डालो, लोगों का फीडबैक भी लो, लोगों को एंटरटेनिंग वे में इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई बोरिंग वे में इन्फॉर्मेशन देगा कोई नहीं देखेगा। वैसे क्या क्या डोंट्स ऑन कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया में, डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी, खुद को नीडी मत दिखाओ कि वो हमको बहुत ज़रूरत है कस्टमर का, जैसे लोगों को बोलो रीट्वीट करो, ये सब मत दिखाओ। फेक या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत दो कि लोगों को लगे कि तुम बहुत ही, तुमको बहुत ज़रूरत है चीज़ का। डोंट ओवर शेयर द कंटेंट, कंटेंट को बार बार बहुत ज़्यादा मत दिखाओ, ओवर शेयर मत करो, पुअर ग्रामर या पुअर स्पेलिंग्स अवॉइड करो। डोंट एक्सेसिवली डिपेंड अपॉन द ऑटोमेटिक डीएम्स, ऑटोमेटेड डीएम्स मत यूज करो, खुद का ब्लॉग खुद लिखो, ओरिजिनल लिखो। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, जो पढ़ो सब पे विश्वास मत करो, उसको डिटेल में सर्च करो पहले। डोंट प्रोजेक्ट एज नो इट ऑल, ये मत दिखाओ कि हमको सब पता है, एरोगेंट मत दिखो। और ज़्यादा कंप्लेनिंग वे में आपका बात नहीं होना चाहिए। राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस ऑडियंस, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखें, दे आर फोर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑडियंस, दुनिया में चार टाइप का बिजनेस ऑडियंस है। फ्रेंडली ऑडियंस, जो आपका बात को तुरंत मानेगा, बिलीव करे। यूनिफॉर्म्ड अनइनफॉर्म्ड ऑडियंस, सॉरी, जो अनअवेयर अबाउट द बिजनेस डिटेल है। ऐसा भी ऑडियंस होगा जिनको आपको एजुकेट करना, उनको पता नहीं है कुछ। एपैथेटिक ऑडियंस, अनइंटरेस्टेड है, जिन लोगों को लगता है कि हमको इसके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए आप कैसे ऐड करोगे या कैसे इन्फॉर्मेशन करोगे वो देखो। हॉस्टाइल ऑडियंस, जो आपका हर बात पर डिसएग्री करेगा। तो आपको ये चारों ऑडियंस को समझना होगा कि आपका ऑडियंस किस वे में रिएक्ट करेगा या बिहेव करेगा, और आप उसी हिसाब से कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन दो। जब आप कोई राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग करो, क्या क्या सम ऑफ द रीजन बिजनेस राइट एंड ड्राफ्ट फॉर देयर ऑडियंस, क्यों लोग इतना लिखते हैं, ड्राफ्ट बना के पूरा देते हैं ऑडियंस को, पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बना के देते हैं। एक तो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए उतना डिटेल में बनता है, दो मार्केटिंग वगैरह वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसके लिए आपका बिजनेस का गुडविल क्रिएट हो, इसलिए आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में ड्राफ्ट करते हो। अब ड्राफ्टिंग का तरीका क्या है, एक तरीका है लेटर्स लिखना। लेटर्स कितने टाइप का होता है, इंक्वायरी लेटर, मतलब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पूछ रहे हो सप्लायर से, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, क्या प्राइस में अवेलेबल है, क्या डिलीवरी का पेमेंट होगा। दूसरा होता है कोटेशन लेटर, देखो आप इंक्वायरी किए तो आप जो जिस बायर से आप जिस सेलर से आप इंक्वायरी की हो, आप बायर हो, आप जिस सेलर से इंक्वायरी की हो वो आपको कोटेशन भेजेगा, जो जो क्वेश्चन आप पूछे हो इंक्वायरी में उन सबका इन्फॉर्मेशन देगा। अब आप दोगे अपना ऑर्डर, तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप ऑर्डर लेटर लिखोगे कि आपको क्या पीस कितना में चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो कंप्लेन लेटर लिखोगे बाद में, और आप पेमेंट नहीं किया तो सामने वाला पार्टी आपसे रिकवरी लेटर मांगेगा कि मेरा पेमेंट करो। ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन का होता है। जैसे देखो फॉर्मल लेटर का टाइप दिया, ऊपर सेंडर नेम होगा, सेंडर एड्रेस होगा, रिसिपिएंट का नेम, रिसिपिएंट का एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, वो मिस्टर या मिस, रिस्पेक्टेड सर यानी सैल्यूटेशन। अब पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कि क्या टॉपिक के बारे में बोल रहे हो। दूसरा टॉपिक, दूसरा पैराग्राफ बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब जो आप बोलना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में। और फाइनली कंक्लूड, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुरंत आंसर मिले या जल्दी सॉल्यूशन हो। और लास्ट में जो सिंसियरली सिग्नेचर होते सेंडर इन फुल नेम, ये होता है फॉर्मल लेटर। सैंपल ऑफ फॉर्मल लेटर एक और दिया, जो यहाँ पे सैंपल दिए। मेमोरेंडम क्या होता है, वन टाइप ऑफ नोट होता है, नॉर्मली यूज फॉर कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज प्रोसीडियर या रिलेटेड ऑफिशियल बिजनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कम्युनिकेशन होता है, हम आपको कोई अपना नया रूल बता रहे हैं कंपनी का, मेरे कंपनी में क्या प्रोसीडियर फॉलो होता है वो बता रहे हैं, या कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या हेड अपने जूनियर डिपार्टमेंट को शेयर कर रहा है, तो जो लिखता है उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ऊपर का टू फॉर्म डेट रेफरेंस एंड बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम, जैसे हमें देखो सैंपल दिया,
टू एबीसी सेल्स मैनेजर फ्रॉम मिस्टर एक्सवाइजेड एमडी, डेट, बिहेवियर इशू को लेकर प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट मतलब एक तरीके से, और फिर वो प्रॉब्लम जो क्लाइंट कंप्लेंट किया है भैया, तो ये सब चीज़ के बारे में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, दो टाइप का रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, पहले तो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विद अ क्लियर पर्पज फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस। जब हम पर्टिकुलर ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई चीज़ लिख के देता है, उसको रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट दो टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये कोई रिपोर्ट बोला पहले, यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट, कोई जानकारी देने के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट, कोई फैक्ट्स फिगर्स को बताने के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं। रिसर्च किए तो उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं कि रिसर्च का सोल्यूशन क्या निकला। स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जब कोई पर्टिकुलरली कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कोई रिपोर्ट लिखते हैं, उसको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बोल रहे हैं। कोई लीगल बात के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है। बाकी नॉन स्टैट्यूटरी रूटीन रिपोर्ट, मतलब जो हर पीरियडिकली या मंथली जाता है, फाइनल एक हर महीने एक रिपोर्ट भेजे, मान लो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट का है और हर महीने के एंड में पूरा कैश का डिटेल बना के भेजते हैं, उसको रूटीन रिपोर्ट बोलेंगे, हर महीना भेजते हैं। स्पेशल रिपोर्ट मतलब जब मैनेजमेंट मेरे से कोई अलग रिपोर्ट मांगा है, मान लो हम कैश मैनेज करता है बट मेरे से मैनेजर केवल ये रिपोर्ट मांगा है कि कौन कौन से दिन कितना रुपये आया था खाली वो बताओ, पूरा डिटेल नहीं चाहिए, तो वो गया स्पेशल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है, फॉर्मल रिपोर्ट में पर्पज होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर्मल पर्पज क्या है फॉर्मल रिपोर्ट लिखने का। फॉर्मल रिपोर्ट क्या फॉर्मेट होता है, हाई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। फॉर्मल रिपोर्ट का मेन पर्पज क्या है, हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग एनी डिसीजन। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही डिसीजन मेकिंग। लेंथ जनरली लॉन्ग होगा क्योंकि डिटेल में बातें होंगी बहुत सारी। फॉर्मल रिपोर्ट सर्कुलेट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एंड आउटसाइड द पार्टी। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये जनरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जो कि नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होता। ये रिपोर्ट इनफ्रिक्वेंट होता है, मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कब लिखा जाएगा, जब जरूरत होगा तब लिखा जाएगा। इसका राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स का होता है। यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में विजुअल एड दे सकते हैं, मतलब टेबल चार्ट ये सब बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है फैक्ट्स को समझाने के लिए। इसका राइटिंग स्टाइल इम्पर्सनल होगा, मतलब हम कोई पर्सनल बात नहीं लिख रहे, तो हम आपको सर मैम यही सब करके बातचीत करेंगे। और इसमें लास्ट में कोई रिकमेंडेशन होता है कि सभी जो गड़बड़ हुआ है उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। अब आता है इनफॉर्मल रिपोर्ट, तो इनफॉर्मल रिपोर्ट विथ नॉन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसका, यानी इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। इसका मेन पर्पज क्या है, कुछ फैक्ट्स को किसी को बताने के लिए हम कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग इसका पर्पज नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट है एक रूटीन फंक्शन। लेंथ इसका जनरली शॉर्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटसाइड को नहीं जाएगा। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं होती, ये फ्रिक्वेंसी जनरली डेली बेसिस पे भी हो सकता है, हम आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। इसका राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली जूनियर का होता है, सीनियर को भेजता है ये मैसेज। इसमें भी विजुअल एड यूज हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये पर्सनल वे में लिखा जाता है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होता। ये हो गया आपका रिपोर्ट।